एंड इससे शांत जगह मेरे को नहीं मिलने वाली रामगढ़ एरिया में, बिकॉज ये सिटी है, कोई लड़की आपको मिले बुरे कंडीशन में एंड आप वैसे में आप उसके उस वैसे टाइम पे आप उसका हेल्प करते हो एंड वो आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करती आती है। लेट्स टेक कोई कांड ना हो हम लोग के साथ ऑफ रोड। तो गाइस देख रहे हो आज हम लोग ऑफ रोड करने जा रहे हैं गाइस, वो भी अपनी स्कूटी में। एंड लड़की की बात की जाए ना भाई लोग, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसी लड़कियाँ भी है ना जो खुद के दम पे यार फॉर्चूनर ले सकती है। वैसा उन लोगों ने मेहनत किया, वैसा उन लोगों ने अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया है। तो भाई नीचे टच कर रही है यार मेरी गाड़ी जो है ना, वहाँ पे टच कर रही है बहुत। ऐसा रहता यार वो इतनी इंडिपेंडेंट है होने के बाद भी मतलब मेरे से ऐसा बात आज तक नहीं किया कि औकात ये वो इस टाइप के वर्ड्स नहीं किया। ओ भाई बहुत गंदा वाला स्पीड कर रहा है गाइस, टायर अभी ना स्पीड किया था थोड़ा सा हमारा। ओके सो सो हे गाइस यार व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज फिलहाल से हम लोग फ्राइडे और अभी फ़िलहाल से मैं लेट सूटा था सोकर। सो अभी फ़िलहाल से 2 बज रहे हैं एंड मैं भी एक छोटा सा राइड पे निकल रहा हूँ किसी नए लोकेशन पर। और आज का वीडियो जो है वो एक मोटो ब्लॉग के साथ साथ मैं कुछ क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। सो वो सारी चीज़ें एंड ये देख सकते हो अपने बालों की कंडीशन यार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत ही फालतू लग रहे हैं, बट हम लोग इसका भी देखेंगे कुछ करेंगे। फ़िलहाल से बहुत टाइम से तुम्हारा भाई देवदास बना फिर रहा, फ़िलहाल तुम्हारे भाई की भी एक बंदी है। फ़िलहाल से मैं आज का वीडियो में जो होली के दिन मतलब जो गलत सीन मेरे साथ कुछ हुआ है, अपने साथ मतलब वैसा कोई गलत नहीं हुआ बट कुछ गलत चीज़ें हुई होली के दिन राइड पे क्यूट गर्ल से रिलेटेड। सो वो सारी चीज़ों का जो भी क्लैरिफिकेशन है वो आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने देने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, उसके बाद आप लोग को जो सही और गलत लगे वो सारी चीज़ें आप लोग बोल सकते हो, वहाँ पे वीडियो में कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है आप लोग के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से राइड पर निकलते हैं। ओके सो सो गाइस तो गाइस फिलहाल से आज हम लोग कुछ शेयर करने वाले आपसे। मे बी जो होली का ब्लॉग था वो 10 से 12 मार्च के आसपास में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा मैंने कोई क्यूट गर्ल के बारे में बोला हुआ है। तो उसमें ना मैंने कुछ चीज़ें वो वीडियो मैंने जल्दी जल्दी में उस टाइम पे कुछ सीन क्लियर नहीं था मेरा, मतलब मेरा दिमाग ना उस टाइम पे सही से वर्क नहीं कर रहा था बिकॉज थोड़ा सीन हो गया था उसका सीन था जो कि मैंने आप लोगों से वो क्यूट गर्ल से रिलेटेड शेयर करनी थी। बाकी वो वीडियो में कोई भी लड़की या उसकी कोई वॉइस या उसकी कोई फुटेज नहीं आई है बिकॉज उसने यार रिक्वेस्ट किया था। तो उसको कुछ फैमिली इशू थी, मतलब वो लड़की जब मेरे को मिली थी ना सो उस टाइम पे जो भी उसका टी शर्ट वगैरह था तो वो पूरा भीग गया रहेगा एंड ऑब्वियस सी बात है होली का दिन था सो जो भी मतलब बॉयस वगैरह या अंकल वगैरह पास हो रहे थे सो सबकी नज़र उस पर थी एंड कुछ गलत ना हो एंड लड़की की भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब टाइप की लग रही थी, मतलब लड़की सही थी बट उसने जो पहना हुआ था ये वो जो भी तो वो सारी चीज़ें भीगने की वजह से थोड़ी सी ख़राब थी हालत में थी। तो इसकी वजह से मैंने उसे ना लिफ्ट दे दिया बिकॉज यार आप लोग जानते हो यार होली वोली में मतलब लोग ड्रिंक वगैरह करके चलते हैं, पी खा कर चलते हैं। तो एक लड़की के साथ कुछ गलत ना हो इसके लिए मैंने उसको लिफ्ट देकर उसके डेस्टिनी तक पहुँचाने का था बट मैंने उसे उसके डेस्टिनी से कुछ दूर पहले ही उतार दिया रहेगा, 1 to 2 किलोमीटर के अराउंड में बचा हुआ था उसका डेस्टिनी एंड मैंने उसे वहीं पर उतार दिया बिकॉज यार थोड़ा सा सीन हो गया था, मतलब सीन नहीं हुआ था उसने थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी ये वो। सो वही सारे सीन्स मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ।
तो देखो ड्यूब की बुक भाई। तो चलते हैं फिलहाल से फटाफट से किसी शांत से प्लेस पे एंड वहाँ चलकर आराम से आप लोगों से पार्ट टू बाय पार्ट सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। एंड ये एक मतलब रामगढ़ का ही एरिया है एंड थोड़ा शांत टाइप का प्लेस है, तो इधर ही कहीं पे हम लोग रुकेंगे एंड आप लोगों से बात करेंगे जो भी सीन्स हुए हैं उससे रिलेटेड। बिकॉज मेरे को यार देखो कोई तरह का मतलब कंट्रोवर्सी टाइप कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ भाई। बिकॉज बहुत टाइम के बाद मतलब ना ऐसा हो रहा कि मैं ये सारी चीज़ें व्लॉग्स वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ, सो किसी तरह कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मेरे को, इसकी वजह से मैं आप लोगों से पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। एंड इधर भी लोग रहते हैं, लेट्स सी कौन सा प्लेस हमें मिलता है। देख लो क्या ही अबॉर्डन टाइप की प्लेस है एंड ये छोटे छोटे बच्चे, सो देखते हैं कोई प्लेस एंड वहाँ पे रुक कर आप लोगों से बात करते हैं। सो देखो अभी मतलब फ़िलहाल से मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन देने का शौक नहीं है, ना ही मेरे को ज़रूरत है कोई क्लैरिफिकेशन देने का। बट क्या ना कि मतलब आज के टाइम पे कुछ लोग टट्टी लोग हैं जिनके दिमाग में यार पूरा मतलब है ना, जो बोलते हैं ना गोबर भूसा टट्टी, वही सारी चीज़ें भरी हुई है, फालतू का कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का मतलब कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ क्या सीन था नहीं था उस दिन। बाकी एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने मतलब वो जो लड़की मिली थी ना, कंटेंट अच्छा था मेरे पास, बट एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जो भी रहेगा उसका पार्ट मतलब जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे से फिर वो उसकी वॉइस ही क्यों ना हो, सो मैं वो सारी चीज़ें ना डिलीट कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा वीडियो में मैंने कोई भी पार्ट उसका यूज़ नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ें एडिट करके मैंने ये भी प्रॉमिस लिया था दैट मैं वीडियो एडिट करने के टाइम पे उसकी सारी इन्वॉल्वमेंट्स जहाँ जहाँ वहाँ पे मैं कट मार दूँगा एंड जो भी रहेगा वीडियो जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट रियल कंटेंट है मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा। सो एज़ पर माई प्रॉमिस सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी है, बट इन फ्यूचर कोई तरह का मतलब कंट्रोवर्सी ना हो इसके लिए मैं ये क्लैरिफिकेशन वीडियो बना रहा हूँ एंड लेट्स सी यहाँ से मैं टर्न देने का। तो एक जगह हम लोगों को मिली है फिलहाल से इंसान से ऑफ रोड, तो गाइस देख रहे हो आज हम लोग ऑफ रोड करने जा रहे हैं गाइस, वो भी अपनी स्कूटी में। लेट्स सी कोई कांड ना हो हम लोग के साथ एंड इससे शांत जगह मेरे को नहीं मिलने वाली रामगढ़ एरिया में, बिकॉज ये सिटी है तो सिटी में आप लोग जानते ही हो। ओ भाई बहुत गंदा वाला स्पीड कर रहा है गाइस, टायर अभी ना स्पीड किया था थोड़ा सा हमारा। एंड ये देखो गाइस नज़ारे नज़ारे देख रहे हो, ये कुछ इस टाइप का सीन है इधर का एंड हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं किसी शांत से प्लेस में एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। भाई नीचे टच कर रही है यार मेरी गाड़ी जो है ना वहाँ पे टच कर रही है बहुत, ओ भाई बहुत पटक रहा है यार देख लो। और फिलहाल से कुछ स्टार्ट की लोकेशन हम लोग पहुँच गए जंगलों में। ओ भाई देख रहे हो गाइस तुम्हारा भाई भी ऑफ रोड कर रहा, ओ भाई। एंड गाइस सीन्स बहुत ही मतलब ना गाइस पूरी ना मतलब
सिनेमैटिक टॉप के शॉट्स यहाँ पे आएंगे अगर सही कैमरा आएगा। लोकेशन ये देखो, पेड़ में कुछ स्टेप की आई होप आपको दिख रही हो थोड़ी बहुत भी, ऑरेंज कलर की फूल है। इस टाइप की लोकेशन में पहुँच चुके हैं एंड बहुत ही ऑसम सा प्लेस देखने में लग रहा है। फिलहाल से मैं इस प्लेस पे मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड मेरे को नहीं पता यार इधर के बारे में। तो इधर खेत वेत लग रही है टाइप की, मतलब कुछ खाली टाइप का ही है। एंड बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने सीन की, जो सीन मेरे साथ हुआ है उसके बारे में। 2 hours later तो गाइस फिलहाल से मतलब बात ऐसा ना कि मैंने एक लड़के को बुरे कंडीशन में, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड भी था साथ में, नहीं था मतलब बेस्ट फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, ये है वो है, मतलब R15 वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वो मेरे साथ शेयर कर रही थी, बता रही थी बीच बीच में। तो मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है यार, उसका बेस्ट फ्रेंड है कोई भी है ना, मतलब मैंने लिफ्ट दिया था, हेल्प किया था, कोई रिश्ता नहीं मांग रहा था ना इंस्टा डी है वो। बाकी वो मेरा गाड़ी का कंडीशन सही नहीं है, मेरे को भी पता है लड़की आपको मिले बुरे कंडीशन में एंड आप वैसे में आप उसके उस वैसे टाइम पे आप उसका हेल्प करते हो एंड वो आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करती आती है। हम लोग कुछ दूर चले, साथ में चले, मैंने सोचा था यार मेरा छोटा सा ट्रिप रहेगा, मतलब ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप का मेरा प्लान नहीं था, बट उसको हेल्प चाहिए था तो इसके लिए हम लोगों ने उसको हेल्प दे दिया। और बाकी वो लड़की भी थोड़ी बेइज्जती करने लगी कुछ दूर जाने के बाद, मतलब भला बुरा बोलने लगी मेरे गाड़ी के बारे में, तो ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी। बाकी बात रही यार बेइज्जती करने के बारे में, मतलब ना और भी सारी चीज़ें यार, मैं ये व्लॉग्स वगैरह कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, बोलने लगी इससे क्या ही होगा, मतलब ये 18 कौन देखेगा नहीं देखेगा, ये सारी चीज़ें, मतलब कम से कम 80-70 हज़ार का जो स्प्लेंडर मिलता है तो उसे स्टार्टअप करने, बिकॉज वो इससे अच्छी है, ऐसा वैसा मतलब सीन हो गया, मतलब वो बोलते बोलते इस टाइप का भी बात करने लगी मेरे से। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा दिल पे लग गई भाई, तुम लोग जानते होगे मेरे को मेरी जो गाड़ी है वो इससे इमोशनली अटैचमेंट है एंड मेरे को बहुत प्यारी है, जैसी भी है चाहे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यही सारा फील हुआ एंड मतलब मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है यार उस लड़की के लिए, किस टाइप की लड़की थी। देखो भाई बोलने के ना मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, चाहे से फिर वो ड्यूक हो, चाहे से MT50 आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है, थार हो, फॉर्चुनर वाले भी अपने मतलब लिस्ट में, मे बी लेम्बोर्गिनी वाले भी हो। Wait a minute. Who are you? तो यही सारा चीज़ है। अब बाकी पहुंच की बात की जाए तो भाई मेरा जो मेरे रिलेटिव्स में ना जो आते हैं वो झारखंड पुलिस में काम करते हैं एंड और भी होंगे, एंड इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई मेरा एक फ्रेंड है। मैं देखो ये जिनके बारे में बता रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखता हूँ भाई, बिकॉज यार देखो वो लोग जो भी है वो अपने जगह पर, यार वो मेरे लिए थोड़ी ना बने हैं या फिर उनकी कोई चीज़ है तो वो मुझे थोड़ी ना दे देंगे, वो तो उनका है, जो मैं अचीव किया मैं खुद के मेहनत से अचीव करूँगा वो मेरा अपना होगा ना। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कॉन्टैक्ट किसी से नहीं रखती है। तो बोलने का मैं भी बोल सकता हूँ यार मेरी बंदी फॉर्च्यूनर वाली है या फिर मेरा भाई BSF में है। मेरा रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा एक भाई था, है अभी भी जिंदा, उतना मैं बातचीत वगैरह नहीं करता हूँ, कभी कभार मतलब 2-3 साल में मिल लिया। सो मेरा लगभग 9th, 10th, 11th, 12th मैं उसके साथ पढ़ा एंड वो बंदा ना अभी BSF फोर्स में। सो फेंकने का मैं भी फेंक सकता हूँ, बट भाई आज तक मैंने नहीं वैसा कुछ किसी के सामने यार शो ऑफ वगैरह किया, बिकॉज यार वो जो भी अचीवमेंट्स है वो उसकी है, भले से वो मेरा फ्रेंड है बट वो उसकी है यार, और मतलब क्या ही भरोसा, मतलब यार मेरे पास खुद कुछ नहीं है तो मेरे को फेंक कर क्या फ़ायदा होगा, जब टाइम पड़ता है कोई काम नहीं आने वाला भाई, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए मैं मतलब बाकी अगर बात करें औकात वोकात की, भाई सच में मेरी औकात नहीं है उतनी, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में ना मतलब साइकिल चलाने वाले से लोग भी है एंड फॉर्चुनर में घूमने वाले भी लोग हैं एंड थार में भी घूमने वाले लोग हैं। बाकी मैंने आज तक किसी के सामने ऐसा मतलब किसी को नीचा नहीं गिराया, किसी को नीचा नहीं दिखलाया, जो भी है सबके साथ मतलब एक नॉर्मल मेरा बिहेवियर रहता है।
एंड लड़की की बात की जाना भाई लोग, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लड़कियाँ भी हैं ना जो खुद के दम पे यार फॉर्चुनर दे सकती है। वैसा उन लोगों ने मेहनत किया, वैसा उन लोगों ने अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई पुलिस फोर्स में है, कोई CBI ऑफिस में है, कोई मतलब देखो मैं ये सब ना शौक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सारा सीन हुआ ना उससे रिलेटेड बोल रहा हूँ। इस टाइप की भी लड़कियाँ होती है भाई, वैसी वैसी लड़कियाँ यार मेरे से आज तक मतलब ना वैसा बात नहीं की उनका उतना मतलब हिम्मत या बोलो या फिर वैसा उनका नेचर बोलो, तो लड़की का नेचर ऐसा रहता यार वो इतनी इंडिपेंडेंट है होने के बाद भी मतलब मेरे से ऐसा बात आज तक नहीं किया कि औकात ये वो इस टाइप के वर्ड्स नहीं किया। और यार एक दो कौड़ी की लड़की यार जो फैमिली के परमिशन के बिना पता नहीं कहाँ ना कहाँ से मतलब मुँह वो मार के होली वोली खेल के आ रही है, ये पूरी भींगी हुई है एंड उसकी पूरी मतलब क्या ही बोलो यार, ये सब वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ किसी लड़की के लिए, बट यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा हर्टफुल हुआ एंड इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो सीन यहाँ पे है ना, वो एक नॉर्मल सी लड़की, वो भी उसका जो फ्रेंड है ना जिसके पास R15 है या फिर MT जो भी है उसके पास, तो उसके कहने के अकॉर्डिंग उसके पास R15 भी है, MT50 है, NTU 390 ये तीनों बाइक्स हैं। तो भाई कहाँ था वो बंदा उस टाइम पे, कहाँ था जब तुम्हें ज़रूरत थी, जब तुम पूरी भीगी हुई थी किसी के साथ होली खेल कर आ रही थी एंड तुम्हें लिफ्ट की ज़रूरत थी, उस टाइम पे तो वो बंदा ही नहीं था। उस टाइम पे यार मैंने हेल्प किया, मैंने उसको पिकअप किया बिकॉज उसके साथ रास्ते में कुछ गलत सीन ना हो जाए, लोग खा पी कर निकलते हैं होली के दिन, तो कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ इसी तरह का छेड़छाड़ या कुछ थ्रेट वगैरह कुछ गलत थ्रेट आप भी समझ सकते हो, एक लड़की अकेली होली के दिन मतलब थोड़ा सा बोलने की सारी चीज़ें नहीं है, बट आप लोग भी इतना मैच्योर हो गए। सो लेट से क्या ही होता है सीन, बाकी यही सारा सीन था। मैं किसी तरह का कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता था यार बोलने वाले, मतलब ना छोटे छोटे बात यार पहले देख लो, दोनों साइड की बात सुन लो, उसके बाद में कुछ आप लोग मेरे वीडियो पे यार कमेंट किया करो। मैं सबकी वीडियो कमेंट डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है बिकॉज उतना सारा कमेंट नहीं आता, थोड़ा बहुत कमेंट आता वो भी मुझे डिलीट करना पड़ता है यार, फालतू का आप लोग कॉन्ट्रोवर्सी करते रहते हो। सो अभी हम लोग फिलहाल तो यहाँ से निकल रहे हैं एंड यही सारा सीन था भाई। बाकी बोलने वालों को ये ना मिल जाए मौका कि यार लड़की को पिकअप किया दिखाया भी नहीं और ऊपर से बोल रहे हो यार कि आधे रास्ते में उसको उतार भी दिया। तो देखो भाई यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं था भाई, हम लोग वहाँ से निकल गए एंड हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था भाई। बहुत सारी बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर करी बट वो क्रैश हो गई है, फिर से मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो भाई मैं यही बोल रहा था पीछे, वो एक बार रिपीट करता हूँ कि मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल मैंने बताया ना कि ये अपर पोस्ट वाले ये वो, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही मतलब वीडियो में बोल दिया था, क्लियर कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा दो बार मेरा वीडियो क्रैश हो गया, दो बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया बट मेरा वीडियो वापस से क्रैश हो गया, तो वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हुई, रास्ते का मेरा बहुत सारा सीन्स भी छूट गया। अच्छा अच्छा और इसलिए मैं वापस से एंड में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर कर रहा हूँ दैट ये जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल या फिर लिस्ट में ये लोग हैं तो इनसे मेरा वैसा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं मैंने रखा है, बाकी इनसे भी ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा है कि अगर ये लोग आज तक कुछ गलत वर्ड मेरे साथ नहीं बोले तो फ्यूचर में भी नहीं बोलेंगे, हो सकता है ये लोग भी कभी ना कभी बोल दे, बट मैं मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस है मेरा जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यार ऐसे नहीं है, मतलब जो भी ये गलत वगैरह ना सो उस टाइप की नहीं है कि ऐसा वर्ड्स यूज़ करे वो भी मेरे साथ, बिकॉज़ यार ये अभी के नहीं मतलब बहुत मेरा पुराना कॉन्टैक्ट है इनसे, जिसके बारे में भी आपको बताया लगभग 31 मार्च को मेरा जो क्रैश हुआ था उससे पहले का कॉन्टैक्ट है एंड वैसे टाइम में उन लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला, तो अब सब चीज़ ठीक हो रहा है, ठीक हो चुका है लगभग, सो अब भी नहीं बोलेंगे वैसा कुछ गलत बट मुझे ये उम्मीद है। बाकी आप लोग जो भी मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया, अगर आप लोग इसको घमंड बोलना चाहते हो मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स के बारे में आपसे बात किया तो इसको अगर आप मेरा घमंड बोलते हो तो भाई हाँ मुझे घमंड है कि मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं। बाकी वैसे मैं किसी को नीचा दिखलाने के लिए या कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं बिकॉज यार आज मैं नहीं मिला हूँ, तो यही सारा सीन है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। सो आज का वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी हो नहीं लगी हो उससे मतलब नहीं मेरे को, बट जो भी किसी के दिमाग में अगर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही हो सो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आई होप सो।
तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक आप ख्याल रखें अपना, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस।